हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे पहले की वीडियो देख चुके होंगे कि मैं यहाँ बहरीन में काम करता हूँ, हांगकांग कुजीन रेस्टोरेंट में। सो आज दो पड थाई नूडल का ऑर्डर आ गया है, तो मैं अभी पड थाई नूडल बना रहा हूँ। सो आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। सबसे पहले मैं एक वॉक पे ऑयल ले लेता हूँ। ऑयल लेने के बाद इसको मैं गरम कर लेता हूँ अच्छे से। और यहाँ पर मैंने कुछ देर पहले ही जो नूडल होता है, राइस स्टिक नूडल पड थाई बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको मैंने ब्लांच कर दिया है। वो आपको दिख रहा होगा, एक हल्का सा स्टेनर में रखा हुआ है। सो यहाँ पर मैं ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेता हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा जो प्रॉन है, उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद उसको गरम गरम तेल में हम इसको डाल लेंगे। सो गाइस, ये देखिए हमने इसको प्रॉन को डाल दिया है गरम गरम तेल में। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इसको देख लेंगे कि हमारा प्रॉन पक चुका होगा, उसके बाद हम इसको स्टैंड कर लेंगे। सो यहाँ पर जैसे हमारे प्रॉन पक चुके हैं, तो हमने इसको स्टैंड कर लिया है। और यहाँ पर हम गरम ही वॉक पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। ऑयल जैसे हमारा थोड़ा गरम हो जाता है, इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे एग जो हमने पहले से ही तोड़ के रखा हुआ है एक बाउल में। सो अच्छे से इसको अंडे को हम पका लेंगे। जैसे हमारा अंडा पक जाता है वॉक के अंदर, हम इसमें बाकी का जो इंग्रेडिएंट्स हैं, गार्लिक, टोफू और ऑनियन, उसको डाल लेंगे और अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो हमारा ऑनियन सब टॉस हो चुका है, गार्लिक भी। इसके बाद हम पड़थाई नूडल डाल लेंगे और हल्का सा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, ताकि जो हमारा नूडल है वो आपस में चिपक जाते हैं। तो क्या वो हमने अपना वाटर ऐड किया, उससे थोड़ा वो लूज हो जाएगा नूडल्स। इसके बाद थोड़ा सा टॉस कर लें इसको, नूडल्स को गर्म कर लें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस और समथिंग आधा लेडल के लगभग इसमें डालेंगे हम पड़ थाई सॉस। सो गाइस, अगर आपको पड़ थाई नूडल की सॉस की रेसिपी जाननी है तो कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा पड़ थाई सॉस की रेसिपी। बहुत ईजी है, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको हर नई रेसिपी और शेफ लोगों के लिए हर नई तरह की डिशेस लेके आएंगे अपनी वीडियो में। जो भी होटल में काम करते हैं हमारे शेफ, तो उसके हम सब उनकी क्वेश्चन पे हम रेसिपी लेकर आएंगे। इसके बाद गाइस, हमने इसमें डाल लिया है बीन स्प्राउट और स्प्रिंग ओनियन जो हमने थोड़ा डाइस में काटा हुआ था। इसके बाद अच्छे से टॉस कर लेंगे नूडल्स को। नूडल्स को हम सॉस के साथ पका लेंगे अच्छे से। जब हमारा नूडल पक जाए, तो यह हमारा नूडल्स पड़ थाई नूडल्स हम सर्व कर लेंगे। तो जहाँ की मेरे पास तलाबाद की ऑर्डर थी, जैसे होम डिलीवरी की ऑर्डर थी, तो मैं इसमें कंटेनर में डाल लेता हूँ उनको। सो इसमें गेस्ट की कमेंट है कि नो चिली फ्लैग, तो गाइस हम इसमें चिली फ्लैग नहीं डालेंगे, ओनली इसमें रोस्टेड पीनट ही डालेंगे। सो गाइस, नूडल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे रोस्टेड किया हुआ पीनट क्रश किया हुआ रोस्टेड पीनट। सो पहले मैं अच्छे से नूडल्स को लेवल कर लेता हूँ, ताकि जो हम पीनट डालेंगे वो इधर उधर ना चला जाए। सो लाइटली क्वांटिटी को हम सेम कर लेंगे, कम ज़्यादा किसमें कम है या ज़्यादा है इक्वल कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम पीनट डाल देंगे क्रश के बाद रोस्टेड पीनट। सो ये हमारी पड़ थाई नूडल रेडी हो चुकी है, अब गो फॉर डिलीवरी। सो नाउ आई एम गोइंग टू गार्निश द लिटिल बिट वन
of liver coriander leaves.